श्री नीरज शेखर जी, इतनी देर के बाद मौका मिला है। ये सारा देश देख रहा होगा कि ये एक पक्ष और दूसरा प्रमुख विपक्षी दल है, क्या कर रहे हैं। मैं बोल लूं, नहीं तो मैं बोलूंगा फिर आपको तकलीफ होगी। मैं ये कहना चाहता था, मैं सोच रहा था कैसे शुरू करूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा शर्मा जी का, वेंकैया जी का और प्रभात जी का। मैं एक छोटा सा राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और मेरे जैसे लोग जब राजनीति में आते हैं, नौजवान लोग और भी आ रहे हैं, वो मैं अपने को जमीन पे रखता हूं। मैं कहा हूं, मैं अपने व्यक्तिगत रूप में जहां हूं वही अपने आप को रखता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मेरे जैसे लोग यहां राजनीति में आते हैं तो वो सोचते हैं कि जो घटनाएं हुई हैं अभी अरुणाचल और उत्तराखंड में, और जो जुडिशरी बोल रही है हमारे बारे में, उससे मुझे बड़ा दुख होता है। जैसी टिप्पणियां हमारे बारे में हो रही हैं, हम लोग ने नहीं सीखा। बोम्बैया जी का जो 1994 में आया था निर्णय, उसके बाद हम लोग ने कुछ सीखा नहीं। हम लोग उसके बाद गलती करते जाए। जो सत्ता पक्ष में रहता है 356 का दुरुपयोग करता है, यह सत्यता है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, अभी 2 साल में है, अभी तो 2 ही 3 हुआ, अभी तो 5 साल होने दीजिए, ये भी दिखा देंगे, ये भी 100 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं, माननीय अपने साथियों को, भाजपा के साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि वो गलतियां मत दोहराइए जो कांग्रेस दोहरा चुकी है। और 415 से आज 44 पे आ गए हैं आप, 2 से आज 282 हैं। इसको और बढ़ाना के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह आप चल रहे हैं आप आगे बढ़ेंगे नहीं। जिस तरह आप चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, जिस तरह आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, आप साथ चलते सबके तो आपके और बड़प्पन आपका बढ़ता। लेकिन जब से आ रहा हूं मैं, देखा जब गवर्नर सारे चेंज हो गए, जो कांग्रेस करती थी वही आप कर रहे हैं, सारे गवर्नर एक एक करके आपने बदले। फिर आपका नजर आई कि राज्यों पे भी हम लोग का होना चाहिए, उत्तरांचल, हिमाचल, अरुणाचल, यहां जो घटनाएं हुई हैं, 12 में असेंबली चल रही है, इससे हमारी देश की छवि कहां जा रही है। ये मेरे को समझ में नहीं आता कि जो नौजवान साथी आना चाहता राजनीति में, आएगा कि नहीं आएगा, वो कभी आएगा कि नहीं आएगा इसमें। आप लोग सीनियर लोग हैं, मैं देख रहा हूं, आधे घंटे से देख रहा हूं। मैं दोनों लोग का सम्मान करता हूं, शर्मा जी का और प्रभात जी का। आप जैसे लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ते हैं पीछे से खड़े होकर तो लगता है भाई नौजवान है, बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, बोलने दो। लेकिन आप लोग जब, जिससे हम लोग को सीखना है, तब मुझे दुख होता है। इमरजेंसी की बात प्रभात जी कर रहे हैं, मैं भी इमरजेंसी का पीड़ित हूं, मेरे पिताजी भी 19 महीने जेल में थे। लेकिन बार बार उसी को उखाड़ना मैं नहीं मानता। अब चली गई, पुरानी बात हो गई, नई बात हमको करनी है। इस देश को विकास पे लेके रास्ते पे ले जाना है, ये बात करनी चाहिए। तो हम लोग वही मैं तो कह रहा हूं 356 खत्म हो जाना चाहिए, इस देश से गवर्नर खत्म हो जाने चाहिए। इसकी जरूरत है, गवर्नर की क्या जरूरत है, एक आलीशान बंगला उसको मिलता है और जो सत्ता पक्ष का होता है उसके लिए वो प्रचारक के काम कर रहे हैं आजकल। असल में वो लोग प्रचारक हैं, आपको बुरा लगेगा लेकिन वो लोग प्रचारक हैं। हमारे राज्य में हर रोज हेलीकॉप्टर और प्लेन चाहिए उनको, हर रोज उनको। तो हर जगह आप राजभवन को ऐसा बना देंगे? मैं कह रहा हूं अगर अगर उनको इतना शौक है राजनीति का, लेकिन आपके यहां तो 75 साल की सीमा है, लेकिन उन्हीं को बना दीजिए। अभी आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा उत्तर प्रदेश से सीएम का कैंडिडेट, उन्हीं को कैंडिडेट बना दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं, आप अगर राजनीति करना चाहते हैं गवर्नर के थ्रू तो आप ऐसे ही करिए। कहीं पे कोई गवर्नर खड़ा हो जाता है, गाय की बात करने लगता है, जो गाय को मारेगा उसको मारेंगे, उसको ठीक कर देंगे। गवर्नर का काम यह है, गवर्नर का काम है जो चुनी हुई सरकार उसको गिराए, उसकी गलत रिपोर्ट भेजे। हमेशा हमारे गवर्नर साहब आते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलते हैं और प्रदेश के बारे में बुरा कहते हैं, और कोई काम नहीं है उनको। कोई अच्छा काम उनको उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा है, वहां के नेताओं से उनका लड़ना का काम है। हमारे सीनियर नेता है आजम खान जी, रोज ना रोज कोई ना कोई टिप्पणी उनकी होती है, यह काम है गवर्नर का। जो मैं ये बात उत्तरांचल और अरुणाचल की बात मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे सीनियर शर्मा जी और हमसे, हम जिनसे सबसे सीखते हैं सिब्बल जी बोलेंगे जो उसमें संवैधानिक बात है। लेकिन मुझे दुख होता है जब
सुप्रीम कोर्ट हम लोग कहता है कि ये इनकी बातें मत सुनो, ये क्या बोलते हैं इसके हम लोग, हम मुझे दुख होता है रोज अखबार पर समाचार पत्र जब खोलता हूं सुप्रीम कोर्ट की कोई ना कोई टिप्पणी हमारे बारे में होती है, मुझे खराब, मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया है, रोज कोई ना कोई कमेंट, कोई हमको कुछ बोल जाए और हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। मुझे लगता है, पहले मुझे लगता था कि उनको आदत है, लेकिन अब लगता है हमारे में भी कमी है। मुझे अफसोस होता है इस बात से। कई सरकार या कमीशन बना था कि गवर्नर का क्या रोल होना चाहिए, उसमें कई चीजें मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, ही शुड बी एन एमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ। एमिनेंट का मतलब नहीं है कि आपकी पार्टी का कोई नेता या मंत्री रहा हो, नहीं, मैं वो कह रहा हूं, ही शुड बी अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। ये मान लीजिए होता है, ये कुछ दिनों में हो सकता है इसका भी परिवर्तन हो जाए। ही शुड बी डेडिकेटेड डिटैच फिगर एंड नॉट इंटीमेटली कनेक्टेड विद द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो सरकारी कमीशन में बताया गया कि उसको राजनीति से दूर रहना चाहिए। कहीं कमी है आज गवर्नर उत्तर प्रदेश में सबसे, मैं उत्तर प्रदेश की बात तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन पूरे देश जहां भी चले जाइए जहां इन्होंने गवर्नर बदले हैं वहां पर यही हो रहा। और उत्तर प्रदेश के तो राजनीतिक है, मैं मानता हूं वो रहे हैं कई बार सांसद, रहे हैं मंत्री, करें, लेकिन इस हद तक तो ना जाएं कि आप जाके प्रचार करें भाजपा का। आप गवर्नर हैं, पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना चाहिए। आप अपने राजभवन में लोगों को बुलाकर राजनीति की बात कर रहे हैं, हमारे मंत्रियों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहा है वहां का सीएम, उसके बारे में, हमारे सीएम के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं जिनके बारे में कोई बुरा नहीं कहता है। ये हालत है और गवर्नर साहब उसकी टिप्पणी होती, ये सरकारी कमीशन में की रिकमेंडेशन मानी जाएंगी कि नहीं मानी जाएंगी, मैं ये चाहता हूं। गवर्नर आज क्या कार्य कर रहा है, मैं आज जवाब कौन देगा, मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि गवर्नर क्या काम करते हैं। मेरे तो आज तक नहीं समझ में आया कि इस देश में हर राज्य में एक गवर्नर होता है। एक हम लोग पहले था दिल्ली का सुनते थे, अब दिल्ली में अखबार खोलिए तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की लड़ाई की खबर है, रोज यही हो रहा है। ये इससे दिल्ली हम लोग का राजधानी है, हम लोग को मान है, उसका सम्मान हम लोग को करना चाहिए, लेकिन रोज लड़ाई। ये इसलिए हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं, इसलिए हमारे सीएम साहब भी, अब मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये चीजें हैं जिसपे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। अरुणाचल और अरुणाचल की घटना तो कमाली हुई, जो टिप्पणी की, पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि एक सरकार थी वो हटी, उसको हटाया गया, एक नई सरकार बनी और सुप्रीम कोर्ट ने यह किया कि उस सरकार को हटा के जो पिछली सरकार थी उसको रीइंस्टेट कर दिया। इसके लिए मैं कहूंगा अपने उधर के साथियों से कि आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, आपको इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी, और क्योंकि इससे आप पे बस असर नहीं पड़ रहा है, ये पूरी जमात जो है उस पर असर पड़ रहा है, जो हम लोग की छवि है वो खराब हो रही है। आज सबसे ज्यादा जरूरत, मैं हर बार ये बात कहता हूं कि बड़ा दिल करिए, हर बार जब भी मैं सदन में मेरे को खड़ा होने का और बोलने का मौका मिलता है, मैं आप लोग से ही आग्रह करता हूं, आप इस स्लोगन से आया था कि सबका साथ सबका विकास, इस देश का विकास करेंगे, और 2 साल में उसको आपने धो के रख दिया। मैं चाहता हूं कि आप सबका सहयोग करिए, सबके साथ रहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष को बढ़ाइए, अपना काम भी करिए, राजनीतिक लड़ाई है, हम लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में आने वाला लड़िए, हमारे साथ आइए, लेकिन गवर्नर को इस्तेमाल करिए, पीछे से वार करिए, ये काम मत करिए, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। मैं बस यही चाहता हूं कि जो भी हो आप गवर्नर की छवि को स्वच्छ रखें, वो जो काम उसको निर्धारित किया गया है वो काम करें। उत्तराखंड में मैं, हम लोग का सौभाग्य था कि हरीश रावत जी के साथ लोकसभा में काम करने का मौका मिला, मैं जानता हूं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ये एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, मैं कांग्रेस का कभी पक्षधर नहीं था, लेकिन कुछ लोग व्यक्ति अच्छे काम करते हैं,
मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं हमारे पिताजी जरूर हो सकता है कांग्रेस में, और मैं शुरू से समाजवादी हूं और समाजवादी पार्टी में रहा हूं और समाजवादी नीतियों में अपना विश्वास रखता हूं। हम लोग ने के नेता ये हम अपने पिता से और अपने नेता से ही सीखा है कि सबका सम्मान जी, वो समाजवादी थे। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं कि एक दूसरे का सम्मान करें। हमको उन्होंने हमेशा सिखाया कि लड़ाई करो, राजनीतिक सिद्धांतों पर लड़ाई करो, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है, खुलेआम यूपी में जो हो रहा है, मुझे शर्म आती, बार बार मैं कह रहा हूं, मुझे हमारे मंत्री सीनियर मंत्री के किस तरह बात की जाती है, किस तरह उनको कहा जाता है, हमारे मुख्यमंत्री से कह रहे कि इस्तीफा दिलाइए इनके बारे में, जो इन्होंने बोला ये हमारे को भेजिए, ये ऐसे चलेगा? मैं तो आग्रह करूंगा ऐसे गवर्नर को बुला के कोई सभ्य व्यक्ति को भेजिए जो वहां काम करे, जो उसका काम है वहां पे वो काम करे। उत्तरांचल में इस तरह की कार्यों से सारे लोगों का नाम खराब होता है। मैं ये आग्रह करना चाहता था, मैं ये नहीं करने, ये 356 के बारे में कितनी बार बात करी गई, कितने बार उस पर सरकारें गिराई गई, ये साथी हैं, ये दोषी हैं, इसलिए लोग कभी नहीं बोल पाएंगे। प्रभात जी ने सही कहा, इमरजेंसी पे लोग कभी नहीं बोल पाएंगे, जबरदस्ती बोल के खड़े हो रहे थे। इमरजेंसी इन्होंने गलती की है, इनको स्वीकार कर लेना चाहिए। गलती मानने में कौन सी कमी है, गलती मानने में क्या बात है? जब आप अपनी माफी मांगे, पूरा ये देश बड़े महान लोगों का है, सब लोग देश की जनता आपको माफ करेगी, वो बात खत्म हो गई। लेकिन आप लोग हर बार खड़े हो जाते हैं, कोई उधर से इमरजेंसी बोलता आप लोग खड़े हो जाते हैं। अगर मैं हम लोग आपके साथ हैं, अगर कोई नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का, गांधी जी का सम्मान नहीं करता, हम लोग आपके साथ हैं। ये हमारे वाजपेयी जी का, वाजपेयी जी तो व्यक्तिगत रूप से मैं जब राजनीति में आया मिला, मैं जानता हूं वो ऐसा महान व्यक्ति कोई नहीं। ऐसी आज की राजनीति में सर तो कुछ मिलेगा सर, मुझे भी समाजवादी पार्टी टाइम के लिए लड़ती रही है। नोबडी इज सेकंड अस, मैं बस अपनी बात खत्म कर दूंगा। हम लोग अनुशासित हैं। नरेश जी लिसन आई कैन गिव हिम मोर टाइम but they have not taken more time, that is, they have 33 minutes and they have taken only 16 or 17 minutes. So see, you are counting minister's time with them, it is not possible. Minister can intervene, okay, that is separate. I will finish. I will conclude. Yeah, main keh raha hu ki hamare aur sammanit log hain, you can, hum logon ko humne pitaji se hi sikha, main jab ki agar desh ko dharatal mile jana hai to unke jo सम्मानित लोग थे, जो महापुरुष थे, उनके बारे में उल्टा बोलो, उनके बारे में खराब बोलो। आज हम सबको मानना चाहिए, हम लोगों को, आपके जो नेता हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, सबके बारे में हम लोग अच्छी बात करनी चाहिए। आज विश्व में हम लोग को एक साथ दिखना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। आज जो लड़ाई हो रही है, मैं चाहता हूं, मैं आग्रह करूंगा, गृह मंत्री जी गवर्नर बदलते हैं। अंत में बस यही आग्रह उनसे करूंगा कि हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर को आप बुला लें, नहीं तो ऐसी घटनाएं ना हो जाएं जो होनी नहीं चाहिए। मैं उत्तरांचल और अरुणाचल उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता, मैं माफी चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा कोई गवर्नर नहीं आया कि वैसी घटना कर सके। हम लोग समाजवादी लोग वहां खड़े हैं और ऐसी घटना वहां नहीं हो सकती, मुझे पता। और हम लोग तो किसी लड़ाई के लड़ रहे हैं, लेकिन एक संवैधानिक पद पे हैं वो, हम लोग उनकी गरिमा चाहते हैं कि बनी रहे, ऐसा कार्य ना करें कि उस गरिमा को खत्म किया जाए। मैं अंत में मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि इस बहस को अंत में दोनों जो भी रिप्लाई करे, शायद गृह मंत्री जी करेंगे, रिप्लाई में बस माफी मांग ले, उससे बात खत्म हो जाएगी। दोनों जगह गलती की इन सरकार ने। धन्यवाद। थैंक यू श्री।